हेलो दोस्तों, इजी एग्जाम नोट्स डॉट कॉम में आपका स्वागत है। हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जिन स्टूडेंट ने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वाला मेरा एपिसोड नहीं देखा है, उनके लिए मैं थोड़ा बता दूँ कि आखिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मीन्स होता क्या है। साथ ही हमसे जो पूछा गया है कि पेज हीट क्या होता है और पेज फॉल्ट क्या होता है, इनको भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक रैम है हमारे पास, इस रैम के अंदर थ्री फ्रेम्स हैं, 1, 2 एंड 3, और थ्री प्रोसेस हमारे पास है P1, P2 एंड P3। अब इन थ्री प्रोसेस को रैम के अंदर जाना है। ओके, थ्री फ्रेम से हमारे पास P1 एक फ्रेम में आ जाएगी, P2 दूसरी फ्रेम में आ जाएगी और P3 तीसरी फ्रेम के अंदर आ जाएगी। अब यदि फोर्थ प्रोसेस आती है P4, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक प्रोसेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। ओके, तो P1, P2, P3 में से किस प्रोसेस को रिप्लेस करे कि P4 आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करते हैं। और इस लेक्चर वीडियो में हम यूज करने वाले हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या बोलता है कि उस प्रोसेस को रिप्लेस किया जाए जो भविष्य में मींस फ्यूचर में सबसे बाद में आने वाली है। जैसे भी हमारा प्रोसेस कौन कौन सी, P1, P2, P3, इन तीनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है, तो वो प्रोसेस रिप्लेस होगी जो प्रोसेस फ्यूचर में सबसे बाद में आने वाली है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेज हिट क्या है, ओके, और पेज फॉल्ट क्या है। अगर हम लोग यहां पर देखें, P4 को रैम के अंदर आना है, थ्री फ्रेम है, ठीक, P4 पहले से अवेलेबल है क्या, नहीं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट। अब अगर मान लीजिए P4 पहले से ही रैम के अंदर होती, ओके, P4 पहले से ही फ्रेम के अंदर है, ओके, और P4 एक और प्रोसेस आ गई, P4 पहले से अवेलेबल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेज हीट। सो इसी कॉन्सेप्ट पे हमको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहां पर हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, डेट इज 0112343103, और साथ ही हमको यहां पर 4 फ्रेम्स दी गई है। इन रेफरेंस स्ट्रिंग को इस फ्रेम्स के अंदर हमको पुट करना है, और जब भी रिप्लेसमेंट करने की बारी आएगी हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करेंगे और नंबर ऑफ पेज हिट और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को यहां पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम लोग यहां पर देखें, सबसे पहले कौन सी रेफरेंस स्ट्रिंग है, 0, ओके, ऑल द 4 फ्रेम्स आर एम्प्टी, तो हम लोग 0 को यहां पर पुट कर देंगे। अब 0 पहले से अवेलेबल था क्या, नहीं, 0 फर्स्ट टाइम आया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट। फॉल्ट को मैंने एफ से दिखाया है। अब बारी है 1 की, 4 फ्रेम्स में से 1 फ्रेम 0 ने ऑक्यूपाई कर ली, 1 सेकेंड फ्रेम में आएगा, 1 भी फर्स्ट टाइम आया है, इसे हम लोग बोलेंगे पेज फॉल्ट। अब बारी आएगी अगेन, अगर हम लोग देखें तो 1 है और 0 और 1 2 फ्रेम्स पहले से ऑक्यूपाई है, 1 अगेन आया है, बट 1 तो पहले से फ्रेम के अंदर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज हीट। अब बारी है 2 की, 0 और 1 पहले से फ्रेम्स के अंदर है, 2 फ्रेम्स खाली है, तो 2 थर्ड नंबर की फ्रेम में आ जाएगा, 2 ने किसी को रिप्लेस नहीं किया है, ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट। तो 2 पहली बार आया है ना, ओके, कहलाएगा पेज फॉल्ट। 3, रेफरेंस स्ट्रिंग 3 को यदि हम लोग देखें, 1 फ्रेम खाली है और 3 पहले से अवेलेबल नहीं है, तो जो लास्ट फ्रेम है इसके अंदर हम 3 को पुट कर देंगे, इसे कह लेंगे पेज फॉल्ट। तो क्लियर हो गया होगा आपको पेज फॉल्ट मींस क्या, अगर स्ट्रिंग पहले से अवेलेबल नहीं है फ्रेम के अंदर वो पेज फॉल्ट, अगर पहले से अवेलेबल है वो पेज हिट। अब बारी आएगी 4 की, तो अगर मैं 4 को देखूं, कोई फ्रेम खाली नहीं है, ऑल द 4 फ्रेम्स आर ऑक्यूपाइड, तो हमें किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना पड़ गया,
जीरो को करना है, वन को करना है, टू को करना है कि थ्री को करना है, यूज करना है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या बोलता है कि यहां से भविष्य में देखो, मीन्स फ्यूचर में देखो कि कौन सी रेफरेंस स्ट्रिंग सबसे बाद में आने वाली है। अगर मैं देखू यहां से तो थ्री जस्ट अभी आने वाली है, ओके, थ्री के बाद वन आने वाली है, वन के बाद जीरो और जीरो के बाद टू, मीन फ्यूचर में सबसे आखिरी में टू आने वाला है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, टू को रिप्लेस कर देंगे फोर से, फोर ने टू को रिप्लेस कर दिया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट। अब बारी है थ्री की, तो अगर मैं थ्री को देखूं पहले से फ्रेम के अंदर है तो यहां पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, थ्री पहले से फ्रेम में है, इसे हम लोग बोलेंगे पेज हिट। नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास में क्या है, थ्री, और थ्री अगेन पहले से फ्रेम के अंदर है, इसे हम लोग बोलेंगे पेज हिट। नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास में क्या है, वन, अगर मैं वन को देखू, वन भी पहले से फ्रेम्स के अंदर अवेलेबल है, जीरो वन फोर थ्री, अगेन यहां पर क्या हो गया, पेज हिट। अब नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग यहां पर क्या है, जीरो, अगर मैं देखू तो जीरो पहले से फ्रेम्स के अंदर अवेलेबल है, किसी रिप्लेसमेंट की यहां पे जरूरत नहीं है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेज हिट। अब यदि हम लोग यहां पे देखें नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास में क्या है, टू, और टू पहले से फ्रेम्स के अंदर नहीं है, हमको रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा, तो जीरो वन फोर थ्री में से किसको हटाए, क्योंकि फ्यूचर में यदि हम लोग देखें कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग नहीं आ रही है, डेट मीन्स कि हम किसी भी रेफरेंस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं टू से, ये डिपेंड करता है हम पे। मैं यहां पर क्या करता हूं कि एल आर यू का यूज कर लेता हूं, मीन्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड का यूज कर लेता हूं, ओके। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो जीरो का जस्ट अभी अभी यूज हुआ है, देन वन का यूज हुआ है, देन थ्री का यूज हुआ है, सबसे पुराना रेफरेंस स्ट्रिंग यहां पर कौन सा है, फोर, तो मैं फोर को यहां पर रिप्लेस कर देता हूं, जीरो वन टू थ्री, फोर की प्लेस पे टू आ गया, ये कहलाएगा पेज फॉल्ट। अब हमें देखना है नंबर ऑफ पेज हिट कितने हमारे पास, तो नंबर ऑफ पेज हिट है वन टू थ्री फोर फाइव, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तथा पेज हिट और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं एमआरयू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।